अस्सलामुअलैकुम वीवर वीवर, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ये जून की जो गर्मी है इससे बचे हुए होंगे। अपना ख्याल रखें और स्टे होम स्टे सेफ। वीवर, तरबियत औलाद के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था, तो आज थोड़ा सा तरबियत औलाद के बारे में पार्ट टू में थोड़ा सा आपको बताएँगे, तो आप वीडियो को पूरी को देखना ताकि जो बातें हैं वो कोई मिस ना हो जाए। तो वीवर, तरबियत औलाद एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बन सकती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम होता है, छोटी छोटा सा क्लिप बनाना होता है, तो आप ज़्यादा बड़ी वीडियो जो फिर लोग बोर भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि वीवर, आपको भी एक मैं मिसाल दूं, जैसा कि एक पानी का गिलास है ना, पानी गिलास है और उसमें पानी है, तो अभी उसमें हमने पानी डाला है तो उससे जब निकालेंगे तो ज़ाहिर है पानी डाला तो पानी निकलेगा। इसी तरह बच्चों की जो तरबियत है उसको आप जितना ज़्यादा बच्चों की तरबियत पे तवज्जो देंगे, जितना उनको मोहब्बत प्यार देंगे, उतना ज़्यादा कल से उनसे आप तवक्को रख सकते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो मकसद है कि 10-1 साल तक आप लें, जब 10-1 साल तक बच्चे होते हैं, उनकी उम्र थोड़ी होती है, तो उनको आप इतना प्यार मोहब्बत दें, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी बातें सुनाएं, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बचपन के हालात सुनाएं, उनके बचपन की बड़ी प्यारी प्यारी मतलब बातें हैं, कहानियाँ हैं, और वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से देखें, मुख्तलिफ उलमा की बातें सुनें, अच्छे अच्छे जो मोटिवेटर हैं उनकी बातें सुनें, वहाँ से वो पॉइंट आप जो है ना कहानियाँ वो बच्चों को सुनाएं। बच्चे आप देखेंगे कि बड़ी तवज्जो से सुनेंगे और बच्चे उनको पिक करते हैं। इस उम्र में बच्चे का जहन ज़रा कच्चा होता है, लेकिन बच्चा हर किस्म की ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, हर चीज़ सीख रहा होता है। बड़ों को ये पता होना चाहिए कि ये उम्र किस किस्म की है, उसमें वो हर चीज़ है और वो आपको फॉलो कर रहा था। आप जो काम कर रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों से डील कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बच्चा आपकी सारी चीज़ें पे कर रहा होता है और वो उसने भी इसी तरह वक्त के साथ साथ उसने बनना होता है। तो वीवर, 10 साल तक आप उसको मोहब्बत दें, 10 साल से 20 साल की जो उम्र है तो उसके आप मास्टर बन जाएं, हाकम बन जाएं, उसको सख्ती से समझाएं। अगर आप इस दौरानिये में सख्ती करने में, उसको समझाने में कामयाब हो गए, तो बच्चा आपका एक अच्छा नौजवान बन जाएगा, बेटी है या बेटा, एक अच्छी मतलब मर्द या औरत बन जाएगा। लेकिन अगर आप ना समझा सके तो फिर वीवर, अफसोस वाली बात है, 20 साल से आगे अगर आप मतलब देखें तो फिर अगर फिर आप समझाने वाला टाइम से हम गुजर गया, फिर आप उसके दोस्त बन जाएं तब ही बात बन सकती है। जैसे बचपन में था तो बचपन में भी 10 साल तक आप उसके दोस्त बने रहें, उनके साथ खेलें, घुल मिल जाएं, फिर तो बच्चे जो है ना महजूज होते हैं। तो वीवर, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मिसालें हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से ज़रा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही इसका था कि बच्चे को आप मोहब्बत देंगे तो बच्चे को वापसी कल कलां आपको भी मोहब्बत मिलेगी, बच्चे को इज़्ज़त देंगे, बच्चे का प्यार करेंगे, बच्चे का ख्याल करेंगे तो आपको भी कल कलां आपका भी ख्याल किया जाएगा। अगर आप सख्ती करेंगे, सख्ती से ट्रीट करेंगे, उनके सामने लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो बच्चे भी उसी तरह के चिड़चिड़े हो जाएंगे। मकसद ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वीवर, ये छोटा सा क्लिप था आज, अगली वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल से बताएंगे। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब